हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की और देखेंगे उसकी प्राइस, उसके लॉन्च डेट, उसकी फुल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट हैं। तो मैं हूं वसी और आप देख रहे हैं अमेज़न शॉप। आता है नोकिया से 1.3। बात करें इसकी स्पेशल की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 690 है, डिस्प्ले इसमें 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 24 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरीज में 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 24,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 24,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं नोकिया इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 12 नवम्बर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 2 पे आता है Vivo V20 SE। बात करें इसकी स्पेशल की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 8GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 665 है, डिस्प्ले इसमें 6.44 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका AMOLED है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 48+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4100 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसके एक्सपेक्टेड प्राइस है 18,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 18,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं वीवो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 14 नवंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 3 पे आता है Xiaomi Redmi K30 Ultra। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें MediaTek का Dimensity 1000+ है, डिस्प्ले इसमें 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका AMOLED है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 64+13+5+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट पॉपअप कैमरा इसमें 20 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4500 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 21,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 21,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Xiaomi इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 27 नवंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 4 पे आता है Xiaomi Redmi K30 Pro। बात करें इसकी स्पेशल की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 865 है, डिस्प्ले इसमें 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका सुपर AMOLED है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 64+13+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट पॉपअप कैमरा इसमें 20 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरीज में 4700 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 30,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 30,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Xiaomi इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 1 नवंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 5 पे आता है Huawei P40 Pro Plus। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 8GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें सिलिकॉन का क्रीन 995G है, डिस्प्ले इसमें 6.58 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका OLED है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 50+40+8+8 मेगापिक्सल का और डुअल फ्रंट कैमरा इसमें 32+2 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 512GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4200 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 95,990 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 95,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं वावी इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 27 नवंबर 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।